नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। लाठीबाज एसडीओ खुद चलाई लाठियां, अंधाधुंध लाठियां। सिर्फ वही नहीं, उनकी पुलिस टीम भी। आप खुद देखें इस वीडियो में। व्हाइट शर्ट पहने लाठियां बरसाते धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार और उनकी टीम। अपराधियों पर नहीं बल्कि इंटर की छात्राओं पर। छात्राएं नंबर मांगने के लिए सूबे के मंत्री बन्ना गुप्ता, जो धनबाद समाहरणालय में 20 सूत्री की बैठक में आए थे, मिलना चाह रही थी। उनका कसूर बस इतना सा था, पर मिली तूफान जैसी बरसती लाठियां। दर्जनों घायल, 3 गंभीर, जिसमें 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल। छात्राओं का नाम है नजमा और मनीषा। आप दोनों को इनसेट में देख सकते हैं। अस्पताल में हालत गंभीर। सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटना के जांच के आदेश दिए, जबकि धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार और दोषी अधिकारियों पर तत्काल निलंबन व अन्य मांगों को लेकर शनिवार यानी कल धनबाद बंद का आह्वान किया गया है। धनबाद के छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज को लेकर धनबाद के सांसद पीएन सिंह और जनसंघर्ष विराट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जहीरुद्दीन खान ने प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में इस घटना को काफ़ी निंदनीय बताया और अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि छात्र छात्राएं जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उन पर इस तरह से लाठियां चलाना बरसाना संवेदनहीनता का परिचायक है। दोषी अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर धनबाद बंद का समर्थन की बात कही गई। आपको बताते चलें कि इस घटना को लेकर आज इस छात्र संगठन ने रणधीर वर्मा चौक पर जलाया जिला प्रशासन का पुतला। आयुषी गुप्ता, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद झारखंड। प्रदेश मंत्री दायित्व हुआ मेरा आज इंटरमीडिएट 2021 के विरुद्ध जो हम लोग कर रहे थे, जो रिजल्ट आया है उसके विरुद्ध 3-4 दिन से विद्यार्थी परिषद लगातार प्रदर्शन कर रही है हर जिले में, प्रांत में, हर जिले में, पर जैक सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांग ये है कि यहाँ सभी बच्चों का समानता के साथ एग्जाम दिया जाए और या तो फिर सभी को प्रमोट किया जाए, आधे बच्चों को फेल, आधे बच्चों को पास। प्रमोट जब आप कर रहे हैं तो आपको सभी बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि आधे को फेल करने का। एक ही मांग है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा बहनों के साथ जो दुर्भम व्यवहार हुआ है और जो जिस प्रकार से एसडीएम साहब इन लोगों को आज मारे हैं, तो विद्यार्थी परिषद बर्खास्त नहीं करेगी और एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। क्या बजे घटना किया? दोपहर 2:30 बजे की घटना। किस जगह पर? आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और ताजा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।